सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के आवामी मार्च में शिरकत की और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जहाँ जहाँ उस मार्च का पड़ाव हुआ, जहाँ जहाँ चेयरमैन साहब की तकरीर थी और उसके अलावा रास्तों में जहाँ जहाँ इस्तकबाल किया गया, वो इतना वालेहाना था कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कदम जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया बाब है। ना इससे पहले और ना ही शायद इसके बाद कोई 2000 किलोमीटर पर मुश्तमिल और इतना तवील मार्च जो कराची से शुरू और इस्लामाबाद पर ख़त्म हो किसी जमात ने किया होगा इस अंदाज़ में, और ना ही कोई कर सकता है। मैं पार्टी कारकुनों को, अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर जगह इस मार्च का वालियाना इस्तकबाल किया और तारीखी इस्तकबाल किया। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हकीकी तौर पर आवाम की नुमाइंदगी की और जो वालियाना इस्तकबाल जहाँ जहाँ हो रहे थे वो अपने चैनल्स के ज़रिए आवाम तक पहुँचाए। इमरान खान साहब जो हैं वो कराची तशरीफ़ लाए थे और कोशिश ये थी कि जो उनकी हुकूमत डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है, खात्मे के करीब है, उसको बचाने की वो आखिरी कोशिशें करें। उसी सिलसिले में शायद वो एमक्यूएम से मिलने आए हैं, लेकिन मुझे हैरत हुई कि एमक्यूएम के जो रहनुमा थे वो ये कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इशू पर इमरान खान साहब से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, यही दिलचस्प बात थी कि जब इमरान खान 40 मिनट तक चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए गए थे तो वहाँ से भी ये आया था कि नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर तो कोई बात ही नहीं हुई।